देश के अधिकांश छात्रों की पढ़ाई में स्कॉलरशिप का बड़ा योगदान है। छात्रों को सरकारी से लेकर गैर सरकारी स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप एक ऐसी वित्तीय सहायता है जिससे छात्र अपने आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं और पूरी करते हैं। इन स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग उम्र क्वालिफिकेशन के अलावा अलग अलग तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मांगी जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनकी लास्ट डेट अगस्त में है। खास बात यह है कि यहां पर आपको स्कॉलरशिप एक बड़ी अमाउंट में मिल सकती है जिससे आपकी पढ़ाई पूरी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि स्कॉलरशिप एक ऐसा फाइनेंशियल हेल्प है जिसकी मदद से छात्र अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखकर पूरी करते हैं। कुछ ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो काफी कम फीस में हायर एजुकेशन के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुहैया कराते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं ऐसे 3 स्कॉलरशिप के बारे में जिन्हें आप अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं। HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप प्रोग्राम। HDFC बैंक आपके फर्स्ट क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप दे रहा है। दोस्तों ये स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए है जिन्हें सभी प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं। तो चलिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं। HDFC बैंक की ओर से मिल रही स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं आपको। भारत में इस स्कॉलरशिप के लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको 1 से लेकर 12वीं क्लास डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए छात्रों को पिछली क्लास में 55% अंकों से पास होना चाहिए। इसके साथ ही उसके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। खास बात यह कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उनके लिए भी है जो बीते 3 सालों से पारिवारिक समस्या से गुजर रहे हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने में सक्षम नहीं है। इस स्कॉलरशिप में कैंडिडेट को 75,000 रुपए दिए जाएंगे। इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की 31 अगस्त 2022 है। इस स्कॉलरशिप के बारे में अप्लाई और जानने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया है। वहां से जाकर आप अधिक जानकारी और अप्लाई कर सकते हैं। अगली स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम। टाटा कैपिटल आपके लिए 6 क्लास से लेकर अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप दे रहा है। ये स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए है जिन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या फिर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो भारत के नागरिक हैं। ये स्कॉलरशिप केवल 6 से 12वीं क्लास डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को पिछली क्लास में 60% मार्क्स से पास होना चाहिए। इसके साथ ही उसके परिवार की सालाना इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट की स्कूल और कॉलेज की 80% ट्यूशन फीस दी जाती है और इसके साथ ही इस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2022 दी गई है। इसके साथ ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई और अधिक जानकारी के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहां जाके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अगली स्कॉलरशिप के बारे में। रोल्स रॉयस उन्नति स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप उन महिला छात्रों के लिए है जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स की पढ़ाई कर रही हैं। इस स्कॉलरशिप के द्वारा इन मेधावी स्टूडेंट की पढ़ाई में सहायता की जाएगी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। रोल्स रॉयस स्कॉलरशिप उन भारतीय लड़कियों के लिए दी जा रही है जो हाल ही में एरोस्पेस, मरीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर जैसे कोर्स में पहली या दूसरी तीसरी वर्ष में छात्र हैं। ये स्कॉलरशिप उन महिला स्टूडेंट के लिए है जिनके 10वीं और 12वीं एग्जाम में 60% से अधिक नंबर हैं। दोस्तों इस स्कॉलरशिप में मिलने वाली अमाउंट की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में छात्राओं को 35,000 रुपए की रकम मिलेगी और इसके साथ ही रॉयल्स रॉयस उन्नति स्कॉलरशिप प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए और अधिक जानकारी करने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसका भी मैंने लिंक यानी कि वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया है। वहां से जाके आप अधिक जानकारी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोज पाने के लिए करियर पीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।